हे गाइस, आज इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का थर्ड ओडीआई मैच यार राजकोट में खेला जा रहा था, जिसमें इंडिया 66 रन से मैच हार गया। बहुत यार दुख हुआ यार, जिस तरह यार ऑस्ट्रेलिया ने अगर बैटिंग की ना फ्लैट पिच भाई, अगर उस तरह इंडिया बैटिंग कर ले जाता ना, तो कसम से बताने यार भारत मैच जीता। लेकिन पता नहीं यार हमारे इंडियन बैट्समैन को पता नहीं क्या हो गया था भाई, जहां बॉलर्स इतना मस्त उस फ्लैट पिच पे 25 ओवर के बाद कमबैक किए, लेकिन यार बैट्समैन का बल्ला उतना चला ही नहीं भाई। कोई एक प्लेयर अगर सेंचुरी जड़ देता ना, तो पक्का था कि यार मैच जीत जाता यार हमारा भारत। लेकिन यार क्या हुआ यार, समझ नहीं आता भाई भारत के बैटिंग यार इतनी फ्लॉप कैसे हो सकते यार। रोहित शर्मा ने माना कि 81 रन की पारी खेली, विराट कोहली भी 56 रन बना के गए भाई, श्रेयस अय्यर 40-42 रन बनाया, अगर के लाल 26 रन पर बनाए वही अगर दुगना मार देते, और सूर्य कुमार यादव यार 7 रन पे आउट हुए, वो अगर 100 रन मार देते इतना अच्छा चांस था, तब भी सूर्य नहीं चले भाई। वो यार फ्लैट पिच पे सूर्य कुमार यादव नहीं चले, तो यार कितना अफसोस की बात है यार। रविंद्र जडेजा 35 रन मारे भाई, और उसके बाद तो कोई बैटिंग उतनी खास बची नहीं। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज खाक उखाड़ लेंगे जब यार ओपनर से लेके 7-8 नंबर तक कोई चलेगा ही नहीं। बात कर लेते स्कोर की यार, तो ऑस्ट्रेलिया ने यार टॉस जीत के बैटिंग लिया। बहुत अच्छा पैट कमिंस ने दिमाग लगाया कि टॉस जीत के फ्लैट विकेट पे भाई फ्लैट रन मारेंगे, और फ्लैट रन उन्होंने मारा है। 25 ओवर में उनके 193 भाई एक विकेट थे, जहां यार मात्र डेविड वार्नर आउट हुए थे भाई। 10 ओवर में यार 100 रन से ऊपर मार दिए थे यार पावर प्ले में। मिचेल मार्श की बात करते, उन्होंने 96 रन की पारी खेली भाई, डेविड वार्नर के साथ 100 रन की साझेदारी, ऊपर से स्टीव स्मिथ के साथ 137 रन की साझेदारी जोड़ी भाई। मिचेल मार्श 96 रन पे आउट हुए, कुलदीप यादव की बॉलिंग पे एकदम सिंपल कैच प्रसिद्ध कृष्णा की हाथ की तरफ चलाया, वो कैच पकड़ लेता नहीं तो भारत को यार 400 रन से बनाने से पीछे कोई छोड़ता ही नहीं। अगर मिचेल मार्श अगर टिक जाता ना 50 ओवर, तो पक्का था कि भारत 400 रन बना, भारत को 400 रन का टारगेट देते। लेकिन यार कुलदीप यादव को किस्मत अच्छा था कि यार विकेट मिल गया यार। खैर इंडिया के प्लेइंग 11 भी बहुत चेंज थी यार, उसमें रोहित शर्मा आए थे, विराट कोहली आए थे, शुभम गिल तो खेल नहीं रहे थे, ईशान किशन भी नहीं खेल रहे थे, ना शार्दुल ठाकुर खेल रहे थे, ना मोहम्मद शमी खेल रहे थे भाई, ये सब रेस्ट लेने चले गए थे। रविचंद्र अश्विन को नहीं खिलाया गया, उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग में बात करें तो स्टीव स्मिथ 76 रन की पारी उन्होंने खेली यार, जो कि यार हमेशा टेस्ट की तरह खेलते, आज वो T20 की तरह खेल रहे थे भाई। मारना स्लैब चेंज, उन्होंने भी 72-73 रन की पारी उन्होंने भी खेली भाई, लास्ट तक टिके रहे यार। 48वें ओवर में मारना स्लैब चेंज आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आज देखने को लाजवाब लगा, जिस तरह इंदौर में यार भारत बैटिंग कर रहा था उसी तरह यार आज ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन यार इंडियन बॉलर्स को पानी पिला रहा था भाई, धो धो के यार नानी याद दिला रहे थे इंडियन बॉलर्स के यार। कुलदीप यादव कमबैक तो किए, मतलब दो मैच नहीं खेल रहे, तो तीसरे मैच में तो एक विकेट उन्होंने लिया। बुमराह ने यार 3 विकेट लिया, बुमराह तो 5 ओवर में 50 रन था बुमराह का भाई, एक को विकेट नहीं यार, सिंगल विकेट नहीं लिया था 5 ओवर। उसके बाद 5 ओवर में पता नहीं कौन सा यार भूत चढ़ गया बुमराह के ऊपर कि 3 विकेट उन्होंने खाया। मोहम्मद सिराज जो कि मोहम्मद शमी जगह पे खेला, तो उन्होंने स्टीव स्मिथ को उन्होंने LBW आउट किया यार। खैर अगर इंडिया मैच जीत जाता ना, तो यार एक डायलॉग होता भाई, बेबी को बेस पसंद है, भारत को चेस पसंद भाई। लेकिन अब भारत को चेस पता नहीं आज के मैच में क्या हो गया था कि भारत चेस ही नहीं कर पा रही थी। 20 ओवर 25 ओवर तक तो अच्छा चल रहा था भाई, लेकिन 25 ओवर के बाद जैसे विकेट गिरने लगा, विराट कोहली का विकेट यार ग्लेन मैक्सवेल ने ले लिया, उसके बाद यार जो मैच पलटा ना भाई, मत पूछिए यार कोई प्लेयर नहीं चला, केएल से लेकर श्रेयस अय्यर से रविंद्र जडेजा सूर्य कुमार यादव, किसी पे उम्मीद था, सब पे उम्मीद था भाई, कोई नहीं अपने उम्मीद पे बेकरार रहा। विराट कोहली अच्छी पारी खेल के गया यार, आए दो मैच में रेस्ट मिला था, तीसरे मैच भाग 56 रन बनाए। रोहित शर्मा ने यार 50 रन भाई 30 गेंद में मात्र बनाए, वनडे की तरह नहीं खेल रहे थे भाई, T20 की तरह खेल रहे थे। लेकिन खैर वो ग्लेन मैक्सवेल का कैच भाई, क्या गजब कैच पकड़ा है रोहित शर्मा, बहुत मस्त कैच पकड़ा था यार, क्या मस्त कैच पकड़ा भाई। उस तरह कैच एकदम एक्शन एंड रिएक्शन वाला कैच हो गया था ग्लेन मैक्सवेल के साथ, 4 विकेट उन्होंने लिया भाई। विराट को उन्होंने आउट किया, श्रेयस अय्यर को भी उन्होंने आउट किया, रोहित शर्मा को भी उन्होंने आउट किया भाई, के राहुल को भी उन्होंने आउट किया यार, 4 विकेट उन्होंने लिया यार, गजब यार। मिचेल स्टार्क ने भी 1 विकेट लिया, पैट कमिंस ने भी 1 विकेट लिया, कैरन ग्रीन ने भी 1 विकेट लिया भाई, हर बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया के विकेट लिया। और इंडिया के बॉलर की बात करें तो हर बॉलर ने भी उन्होंने विकेट लिया, प्रसिद्ध कृष्णा भी लिए, मोहम्मद सिराज भी लिए, जसप्रीत बुमराह भी लिए, कुलदीप यादव भी लिए, रविंद्र जडेजा ने भी विकेट लिया भाई। हार्दिक को खिलाया ही नहीं गया, पता नहीं यार हार्दिक थर्ड ओडीआई मैच में अवेलेबल थे तब भी उनको ये खिलाया ही नहीं गया, शायद वो नहीं आए होंगे भाई। आज अगर इंडिया मैच जीत जाता ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो यार इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 3-0 से हराने का रिकॉर्ड इंडिया का हो जाता यार, होम ग्राउंड पे कभी ऑस्ट्रेलिया को किसी टीम ने यार हराया नहीं है। आज इंडिया अगर हरा देता तो ऑस्ट्रेलिया की नाक कट जाती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी फुल प्लानिंग करके आते कि आज इंडियन बॉलर्स को पीटना ही पीटना है, एकदम चांद की सैर कराना, चांद की सैर करा दिया भाई। जहां यार हम लोग को लग रहा था 50 ओवर में 400 से प्लस रन मारेंगे, लेकिन वहां यार 352 पे अगर इंडिया समेट दिया ना ऑस्ट्रेलिया को, बहुत बड़ी बात है भाई।
बैटिंग थी भाई डेविड वार्नर, बैक टू बैक तीनों मैच में 50 मारे यार, गजब के परफॉर्मेंस रहा है डेविड वार्नर का भाई। इस मैच में तो यार नेक्स्ट लेवल की बैटिंग कर रहा था, T20 की तरह बैटिंग कर रहा था। बुमराह प्रसिद्ध कृष्ण यादव को तो एक एक ओवर 20-20 रन मारा था, मोहम्मद शमी मोहम्मद सिराज को यार एक ओवर में 15-16 रन जा रहा था भाई। इस तरह यार डेविड वार्नर और मिचेल मार्श बैटिंग कर रहे थे यार, गजब की नेक्स्ट लेवल की बैटिंग कर रहे थे भाई, बहुत लाजवाब बैटिंग था उनका यार, एकदम इंटरटेन कर रहा था। हम लोग का प्राण सुख रहा था कि अब आउट हो जाए अब आउट हो जाए अब आउट हो जाए, लेकिन आउटे नहीं हो रहे थे भाई। पता नहीं डेविड वार्नर का कौन सा भूत चढ़ गया था, कोई रिवर्स शिफ्ट मार रहे थे इतना अच्छा यार, जब खेल रहे थे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ तब भी प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग पे रिवर्स शिफ्ट मारा और केएल राहुल कैच ले लिया यार। अरे इंडिया का मैच जीत जाना था भाई, क्योंकि अब एकदम फ्लैट पिच था यार, इतना मस्त पिच यार इंदौर का था भाई। और ना बात करें तो यार धर्मशाला का तो एकदम टर्निंग विकेट था यार, लेकिन वहाँ जब मैच जीत गया तो यार यहाँ तो यार एकदम फ्लैट पिच था, तो यहाँ तो भारत के बैट्समैन का रन निकलना चाहिए, लेकिन कोई चले ही नहीं है। खैर अब वर्ल्ड कप की बारी भाई, अब वर्ल्ड कप में देखना है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भाई 6 तारीख को मैच, उसमें इंडिया जीतती है कि नहीं जीतती है। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइए कि यार मैच भारत कैसे आ रहा है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो यार इंस्टा फेसबुक पर जरूर कीजिएगा। दोस्तों बाय बाय दोस्तों, तब तक लिए।